हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। चले बेफिकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। बिल्कुल, हम आपकी आवाज बनते हैं, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए रोजाना 4 बजे हाजिर हो जाते हैं, फोन लाइन्स आपके लिए खोल देते हैं, लेकिन इस दफा आपकी आवाज, या यूं कहें कि आपके लिए आवाज उठाने के लिए एक पत्रकार को, हमारे एक रिपोर्टर को प्रहार झेलना पड़ रहा है, प्रहार पावर का। ये प्रहार क्यों, देखिए ये तस्वीरें याद आ गई होंगी आपको, कई दफा हमने दिखाई, चूंकि इन तस्वीरों को दिखाने के बाद हमें धमकियां भी मिली थी, हमारे रिपोर्टर अनूप कुंडू को धमकियां भी मिली थी, वो भी हमने ऑडियो आप तक पहुंचाया था कि किस तरह से अधिकारी धमकी दे रहे हैं, कि हिम्मत कैसे हो गई यहां पर आने की और ये सारा कुछ कवर करने की। सरकार ने कहा जांच करेंगे, जांच करने के बाद कह दिया गया कि तस्वीरें झूठी हैं, कहीं और की हैं, चूंकि रातों रात बोरियां बदल दी गई। अब पावर का प्रहार हुआ है, इसलिए खबर दिखाने वाले पत्रकार खबरदार हो जाइए, मंचों से जो आवाजें बुलंद करते थे पावर में बैठे लोग कि मीडिया पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज उसी पत्रकारिता को करने वाले एक पत्रकार पर पावर का प्रहार हुआ है। राजीव जुड़ गए हमारे साथ, राजीव जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, ये जो प्रहार हुआ है पत्रकार जी पे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे, हम अच्छी पत्रकारिता के साथ हैं, और अनूप जी जो हमारे पत्रकार हैं वो बहुत ही बढ़िया पत्रकार हैं, ग्राउंड लेवल की खबरें उठाते हैं, जो समस्याएं हैं लोगों की वो उठाते हैं, बिल्कुल सच्चाई के साथ चलते हैं। और जो ये बीजेपी की सरकार ऐसा दबाव बनाने जा रही है पत्रकारों पे, इनका इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, मैडम हम युवा वर्ग हैं, हम इनके बिल्कुल साथ खड़े हैं और कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आगे भी जरूर जुड़े हमारे साथ। ये आप लोगों का दिया हुआ हिम्मत, दी हुई हिम्मत है, आप लोगों का दिया हुआ हौसला है, जिसकी वजह से हम इन खबरों को बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो विशुद्धता किसी को रास नहीं आई और हमारे एक पत्रकार पर, हमारे एक संवाददाता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया, गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाकर। लेकिन ये गलत रिपोर्टिंग का आरोप ही गलत है, क्योंकि जो कुछ भी दिखाया गया, जो कुछ भी आप तक पहुंचाया गया, वो सच और सबूतों के साथ पहुंचाया गया, और इसी के लिए हरियाणा न्यूज जाना भी जाता है, सच के साथ खबरें बेबाक। ये बेबाकी कुछ लोगों को शायद रास नहीं आ रही। राजेश हमारे साथ जुड़ गए, राजेश जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। हाँ, दरवेश बात कर रहा हूँ जी मैं, है ना, जो अभी अनूप कुंडू ने उकलाना में एक पर्दाफाश किया था कृषि विभाग का, जी सर्वेश जी, और उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था, बहुत अच्छे किसानों जितनी मेहनत से जो फसल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, और कुछ अफसर होते हैं जो लापरवाही बरते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो गरीबों के पास वो गेहूँ जा पाता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो अनूप जी ने ये आवाज उठाई थी और इस आवाज का उनको ये सिला मिला कि उनके ऊपर के झूठे केस और मुकदमे करवाए गए हैं। तो सरकार ये दिखावा करती है कि हम किसानों के साथ हैं, कि हम सच्चाई के साथ हैं, बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा कुछ हो रहा है। अनूप जैसा निष्ठावान जो पत्रकार है उकलाना में, उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, और उनके ऊपर उनको लगभग डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फोन करके उनको धमकी दी गई थी, और अब उनके ऊपर झूठे मुकदमे, तो ये दर्शाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र और पत्रकारिता का पूरा हनन किया जा रहा है, उनको बिल्कुल डराया धमकाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है और इस गलत को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना ही किसी के डराने धमकाने से झुकने वालों में से पत्रकारिता करने वाले लोग हरियाणा न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डरेंगे। ये अलग बात है कि इन्होंने ये दिखा दिया है कि खबर दिखाने वाले पत्रकार खबरदार हो जाइए, मंचों से हम जरूर कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया पत्रकारिता, लेकिन मानते इसको बिल्कुल भी नहीं है, हमारे खिलाफ कुछ अगर दिखा दिया तो फंसा देंगे, जैसे अनूप कुंडू को फंसाया, सच्चाई पर लगाई झूठी मोहर, फर्जी मुकदमा कर पत्रकार को फंसाया,
खाद्य आपूर्ति विभाग ने दर्ज कराया केस। पत्रकार ने दिखाई थी खराब गेहूं की खबर, बारिश से खराब हुआ था कई क्विंटल गेहूं, या तो सड़ गया था या इस तरह से अंकुरित हो गया था। बकायदा नेम प्लेट जो बाहर लगा हुआ है सब कुछ दिखाते हुए भीतर तक जाके पूरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग अनूप कुंडू ने की थी। कहां तो उस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारी पर ही मामला दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद पत्रकार को ही लपेटे में ले लिया, वाह रे सिस्टम। सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उस पत्रकार का जिन्होंने इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर आया, और ऐसे महान पत्रकार को हम सलाम करते हैं जिन्होंने इस मुद्दे को बड़े अच्छे ढंग से उठाया है, और सरकार ने जो इस पर FRI की गई है सरकार की हम कड़ी निंदा करते हैं जो सरकार ने इस पर कार्रवाई की है, क्योंकि एक महान पत्रकार ने अपना कर्तव्य निभाते हुए ये गेहूं जो अंकुरित हो चुकी थी उसको बचाव के लिए इन्हें साहस का कार्य किया था, लेकिन प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्रकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पत्रकार को एक कहना चाहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आपने दबने की कोई जरूरत नहीं है, हम जहां भी आवाज दोगे पत्रकार के साथ खड़े हैं, और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि अपना जो आपने FRI लॉज की है उसको वापस ली जाए, और जो दोषी लोग हैं इस महकमे के अंदर फूड सप्लाई के अंदर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया सतीश जी। मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि ये हमारे दर्शकों का दिया हुआ हौसला ही है, ये आप लोगों की दी हुई हिम्मत कि सच के साथ खबरें विभाग की टैगलाइन के साथ हरियाणा न्यूज लगातार आगे बढ़ रहा है। अनूप कुंडू या किसी भी पत्रकार के साथ अगर इस तरह का निंदनीय काम किया जाएगा, इस तरह का एक्शन लिया जाएगा जो कि उन पर बनता है जिन्होंने लापरवाही दिखाई थी, तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाज उठाएंगे। हमारे साथ भिवानी से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, वीके यादव जी। यादव जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, विषय क्या थोड़ा बताएंगे जी आज का? सर एक पत्रकार पर सच्ची खबर दिखाए जाने की मिर्ची लगी है कुछ लोगों को, और उन्होंने पत्रकार के खिलाफ ही FIR दर्ज करवा दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से ये FIR दर्ज कराया गया है। खबर हमने दिखाई थी बारिश में लापरवाही की भेंट चढ़े गेहूं की बोरियों को लेकर जो सड़ गया था या फिर अंकुरित हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं ये कहना चाहूँ जिस पत्रकार के ऊपर ये FIR दर्ज हुई है, पहले तो जिसने FIR दर्ज करवाई है, जिसने की है, उन अधिकारियों के पास, उन कर्मचारियों के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से। हमारी जनता इस पत्रकार के साथ टोटली जुड़ी हुई है, और इस पत्रकार के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे किसी भी हमारी संस्था के ऊपर से। हमारी संस्था है नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। अगर इस पत्रकार के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है तो हम तहे दिल से, तन से, मन से, धन से किसी प्रकार इसका सहायता करेंगे, और इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने देंगे, और जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो BPL परिवार, कुछ परिवार ऐसे हैं जो शाम को भूखे सोते हैं, और एक ये लापरवाही करके अनाज सड़ जाता है। किसान कितनी मेहनत से अनाज पैदा करता है और ये को भिगो करके, जबरदस्ती भिगोते हैं, मोटर चला कर भिगोते हैं, बरसात में भिगवा जाता है, इनके पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, गेहूं सड़ जाता है। उन अधिकारियों के पास जवाबदेही होनी चाहिए, अगर गेहूं खराब हुआ उनकी सैलरी काटी जानी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राशन एक एक कण और एक एक क्षण बहुत कीमती होता है, तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे। लेकिन इस सिस्टम में यादव जी ऐसा कुछ है नहीं, आवाज उठाने वाले को ही दबाया जाता है, जैसा कि अनूप कुंडू के साथ ये सिस्टम कर रहा है। क्या उम्मीद करें ऐसे सिस्टम से जहां कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है? क्या ये भ्रष्ट आचरण नहीं है? और भ्रष्ट आचरण मतलब भ्रष्टाचार। अनूप कुंडू के प्रति जिस तरह का आचरण सिस्टम की तरफ से दिखाया जा रहा है, गलत तरीके से आरोप लगाते हुए मुकदमा अनूप कुंडू के खिलाफ जो दायर किया गया है, जीरो टॉलरेंस वाले क्यों टॉलरेट कर रहे हैं इसे? क्यों चुप बैठे हैं? आपके इस मौन साधने को हम क्या समझें? एक पत्रकार के खिलाफ इस तरह का एक्शन क्या शर्मनाक नहीं है? क्या खबर दिखाने से पहले अब हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ क्या एक्शन ले लेंगे आप? पता नहीं कहां फंसा दिया जाएगा हमें। फिर विशुद्ध खबरें कैसे परोसी जाएं? डर डर के क्या पत्रकारिता हो सकती है? और डराने वाले आप होते कौन हैं? जीरो टॉलरेंस वालों को आज साबित करना पड़ेगा कि वो पार्टी विद डिफरेंस है तो कैसे है। ये डिफरेंस की जो बात आप करते हैं वो यहां पर दिखना चाहिए, क्योंकि आवाज उठाना
किसी भी तरीके से आप हमें डराइए, हम बंद नहीं करेंगे। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है। विकास जुड़ गए, विकास जी बोलिए। हेलो विकास जी बोलिए। मैम जिस प्रकार पत्रकार के साथ ये घटित हुई, उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। हमने पहले भी न्यूज में डाला गया है कि हमारे जो साथी अनूप कुंडू जी उनके साथ बहुत गलत हुआ, हमारी पूरी युवा कांग्रेस इनके साथ है, तब भी ये कहेंगे हम इनके साथ होंगे। यार ये जिस प्रकार सरकार झूठा मुकदमा करके इनको अपने आप को बचाना चाहती है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसान अपने 6 महीने लगातार, हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ बोलिए सर, अब मैं हेलो सर आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक, आप बोलिए। जिस प्रकार किसान 6 महीने दिन रात एक करके अपने कन अपना अनाज बचकर इनको देता रही है, जिस प्रकार सड़ने दे रहे हैं, ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, इस करके इसलिए हमारी युवा कांग्रेस इनके साथ है। और आप जी हमारे अनुप कुंडू भाई जी समय भी हमें आदेश करेंगे, हम उस प्रकार इनके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। राम सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम जी नमस्कार बोलिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर कहिए। अगर पत्रकार अगर उसको ऊपर भी अगर लक्षण लगाएंगे तो बाकी देश का एक पत्रकार ही है जो सच्चाई बोलता है और देश के प्रदेश की बातों को रखता है, इतनी कितनी किसी की हिम्मत है, को पत्रकार के ऊपर उंगली उठा देगा तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे, अगर उंगल भी उठा देगा तो उसका हाथ, क्योंकि मैं भी प्रेसिडेंट हूँ डिपार्टमेंट से, मैं भी वो हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, जो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए वो नहीं होने चाहिए। अगर पत्रकार ही तो है तो हमारे को सच्चाई बोलता है, पत्रकार ही तो है जो वो करता है। नमस्कार, जय जय भारत, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा, आपकी हौसला अफजाई की मैं कदर करती हूँ और बहुत शुक्रिया इस बात का कि आप लोगों का साथ है, तभी हम इस तरह से खबरें दिखा पा रहे हैं। लेकिन हाथ तोड़ने या किसी और तरीके का ऐसा एक्शन लिए जाने के खिलाफ हम भी हैं, कानून हम किसी भी सूरत में अपने हाथ में लेने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के साथ भी हम नहीं खड़े हो सकते, जो कि किया गया। ये प्रशासन की तानाशाही नहीं है तो और क्या है? ये हिटलरगिरी किस लिए और ये तानाशाही क्यों बर्दाश्त किया जाए? जब तस्वीरें दिखाई तब से अभी तक मामले में लीपापोती का काम चलता रहा, जैसे ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया वहां से शुरू हो गई एक नई कहानी, पत्रकार को ही लपेटे में ले लो, ये आपसी खींच निकालने का कोई तरीका है क्या? क्या तुरंत एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कि यह किसकी लापरवाही है? आज आवाम कह रही है कि उनकी तनख्वाह कटनी चाहिए थी, सख्त एक्शन होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, उल्टा पत्रकार को ही लपेटे में ले लिया। अनूप कुंडू का क्या कसूर था? यही ना कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को ज्यों का त्यों परोस दिया कि देखिए यह अनाज आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, किस तरह से लापरवाही का भेंट ये किसानों के खून पसीने की मेहनत की कमाई यहां पर चढ़ गया। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिंह साहब बोलिए। हाँ जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी ये तो ये भाजपा कल्चर है ये पत्रकार को दबाना, तो लंकेश गोरी का नहीं पता आपको इस चीज के बारे में, उसके भी साथ क्या किया था, तो ये तो ये करते भाजपा वाले इस चीज का, तो उनकी जहां बदनामी होगी यहाँ वो दिखाएंगे उगते काम। तो अगर ऐसा बीजेपी में कोई रिवाज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, तो ये रिवाज अब नहीं चलेगा, क्योंकि पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए, बदनामी से बचने के लिए, लापरवाही ठीक करने की बजाय लापरवाही को ढकने के लिए, पर्दा डालने के लिए अगर इस तरह की हरकत की जा रही है तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरें तो हम दिखाएंगे, ज्यों का त्यों दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे, देखते हैं इस तरह के कितने एक्शन लिए जाते हैं। आपको सुनने के लिए हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्यों पत्रकारों को सच बोलने का हक नहीं है? आज इस सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे हैं। और क्यों चुप हो जाएं? क्यों झूठ को परोसे? क्या गोदी मीडिया को आगे बढ़ाने का मतलब ही पत्रकारिता रह गया है? तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? पत्रकारिता पर पावर का प्रहार क्यों? इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अनूप कुंडू के साथ जो किया जा रहा है उस पर सरकार चुप क्यों है,
सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है या सरकार ने जानबूझकर मौन साध लिया है? क्या इन प्रशासनिक अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे हैं, गलत आरोप लगाते हुए फंसा रहे हैं, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें फंसाया जा रहा है अनूप कुंडू को, कि उनकी लापरवाही को उजागर कर दिया अनूप कुंडू ने, क्या गुनाह किया और क्यों ना सच को सामने रखा जाए? ये लोग सच को दबाने के लिए इस हद तक उतर आएंगे, ये वाकई शर्मनाक है और ये उतना ही निर्दनीय और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए चूंकि हमारा सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है उस पर सरकार चुप है। राम जुड़ गए हमारे साथ। राम जी नमस्कार। राम जी फोन पर हैं आप? हाँ जी अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं बताना चाहूंगा आखिर इसका जवाबदार कौन है जी, जिम्मेवार कौन है जी। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कुछ राष्ट्रीय चैनल हैं वो आप भी दिन रात देखते हो और ईमानदार जो पत्रकार हैं वो भी देख रहे हैं कि हमारी भारत माँ के साथ कितना अन्याय किया जा रहा है। कुछ राष्ट्रीय चैनलों ने ऐसा देश की भारत माँ के साथ अन्याय किया है, ना तो वो विपक्ष को बोलने देते हैं सच्चाई और ना ही मतलब खुद बताते हैं। उनका नाम मैं क्या बताऊं आपको, आप सब जानते हैं। और मैं हकीकत बताऊं, ईमानदार पत्रकारों को उन पत्रकारों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे जो आजकल आज की राजनीति है, जो आज हमारी सरकार है, उन्होंने बांट दिया और उनको मैं दावे से कहता हूं उनको खरीद लिया इन्होंने। ये सारा झूठ मतलब प्रोपगंड किया जा रहा है, 75 के पार और 300 के पार फलाना डी के, आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, ये अहंकार बोल रहा है और सारा ईवीएम का खेल हो रहा है। इस चीज को पत्रकारों को समझना होगा और पत्रकारों को भी एकता दिखानी होगी, तब जाके देश भारत माँ का सुधार हो सकता है, अन्यथा तो आने वाला समय बहुत घाटा होगा। धन्यवाद। चलिए राम जी बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर जुड़े हमारे साथ। आने वाले समय में जो घाटा होगा वो होगा ही, अभी जो घाटा जो नुकसान हो रहा है इस तरह से किसी छवि को दागदार कर देना, जो कि अपने दामन पे जो दाग लगे हैं उन छींटों को साफ करना है। और क्या इससे ये छींटे साफ हो जाएंगे? क्या इससे हम खबरें दिखाना बंद कर देंगे? क्या इससे पत्रकार चुप हो जाएगा? ये चुप कराने की जो कवायद है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या इससे सच दिखाना बंद कर देंगे पत्रकार? क्या पत्रकारिता को इस तरह से मुट्ठी में भींच लिया जाएगा? इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? हमारे साथ योगेश जुड़ गए हैं करनाल से, एक दर्शक, बोलिए सर। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम जी। डर उन्हें लगता है जिनके अंदर कोई कमी होती है, नहीं तो सच्चाई का आईना देख के तो कोई ये नहीं करता कि भैया मेरी गलती है या नहीं है। मैडम सबसे बड़ी बात ये है, अभी हमारे देश की रिपोर्ट आई है कि भी भ्रष्टाचार में भारत नंबर एक हो चुका है। अगर मान लो कोई गलती हो रही है, उस गलती को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये कौन सा मतलब है कि भाई तुम उस पत्रकार पे ठा गए, उसको जेल में डाल दो? मतलब कि इनके लिए तो वो पत्रकार अच्छे हैं मैडम जो उनसे इनके लिए सुबेरे शाम मोदी 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 या मान लो उनके लिए खबर चलाते रहते हैं। और एक दूसरी मैडम मैं ये बताओ, इस पत्रकार इन्होंने केस कर दिया, धाराएं भी 144 पता नहीं 137 पर कई लगा रखी हैं, और लेकिन जो उनसे इनका बीजेपी के बलात्कारी है जैसे कुलदीप सहगल होगा उसको कई महीने लग जाते हैं। अब एक बलात्कारी और है इनका, चिदंबरम स्वामी कौन है वो, उस पे तो अभी तक FIR दर्ज नहीं होती, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब कि जो सच्चाई दिखाए उनसे डर के मारे ये जेल में बंद कर दो। ये अंग्रेजों वाला हुकूमत चलवा रहे हैं क्या हमारे देश में कि भी जो इनकी झूठ की सच्चाई दिखाते रहे कि भी मोदी ने ये कर दिया वो दिख कर दिया? मैडम ये कौन सी वो है, इतने सच्चाई से डर लगता है ना तो पब्लिक के आगे आना बंद कर दो। अब पब्लिक भी समझदार हो चुकी है, पब्लिक भी अपना मान वो थोड़ा गुस्सा ना कंट्रोल करे बैठी। अगर जिस दिन ये पब्लिक खुलगी ना मैडम, ये पब्लिक ही मारेगी, किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी देश की पब्लिक ऐसी है कि कानून व्यवस्था खराब नहीं करना चाहती, नहीं तो इनका तो एक दिन में तारे दिखाते पब्लिक। चलो बहुत शुक्रिया। और हुकूमतों का दौर गया योगेश जी, ये लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकशाही ही चलेगी। सच दिखाए जाने पर अगर पत्रकार को परेशान किया जाएगा तो आवाज और ज्यादा बुलंद ही होगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आवाज को दबा देंगे तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। यहां से बाहर निकलिए और जवाब दीजिए अनूप कुंडू को कि आखिर उसका गुनाह क्या है। नमस्कार।